नवागत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा एडिशनल एसपी की मीटिंग लेकर कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए रूपरेखा बनाई गई। ज्वाइनिंग होते ही नवागत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा शहर के सभी कंटेनमेंट एरिया में जाकर आकस्मिक दौरा किया गया और शहर की व्यवस्था को देखते हुए आज दोपहर सभी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह, प्रमोद सोनकर, आकाश भूरिया, अंतरशिक गणेश, निरीक्षक चौबे इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नवागत पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा एक नई रूपरेखा तैयार की गई। इसमें बताया गया कि पुलिस के साथ व जिला प्रशासन के साथ जनता का सहयोग अनिवार्य रहेगा। यदि कोई समाज का दुश्मन नियम का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। देखिए, शहर में कोरोना के केस की संख्या काफ़ी है, कंटेनमेंट एरिया लगभग 50 है और रात में देर रात में अपनी पूरी टीम के साथ सारे एडिशनल के साथ पूरे कंटेनमेंट एरिया का दौरा किया था। तो जो कंटेनमेंट एरिया का एक प्रोटोकॉल है, क्वारंटाइन का एक प्रोटोकॉल है, जब तक हम कंटेनमेंट एरिया के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे इस संक्रमण से हम लोग निजात नहीं पाए। और किसको फॉलो करना है? जनता को फॉलो करना है। फॉलो पालन किसको कराना है? पुलिस को कराना है, प्रशासन को कराना है। और ये ऐसा मामला है कि इसमें सख्ती की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये आदमी और जनता के स्वतः की जागरूकता की पहली बात है। तो हम सभी लोगों को, आम जनता को, कंटेनमेंट एरिया के अलावा भी सभी व्यक्ति को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं और उनका पूरा पूरा सहयोग लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम कंटेनमेंट एरिया को एकदम नो मैंस लैंड की तरह देखें, कोई मूवमेंट वहाँ न रहे। बावजूद इसके अगर कोई आदमी उसका उल्लंघन करेगा तो हम नम्रता के साथ सही तरीके से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया के नॉर्म्स को हम पालन कराएंगे। यही मुहिम जारी रहेगी। हम भ्रमण कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, प्रशासन से समन्वय स्थापित कर रहे हैं, हेल्थ विभाग से समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को इस दिशा में हम एक ऐसा माहौल पैदा करें कि लोग स्वतः आगे आकर के अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि इस बीमारी से हम लोग